साकार करें सपने अपने। क्या आपके घर को, आपके संसार को, आपको या आपके बच्चों को बुरी नजर लग जाती है? क्या आपको पता भी नहीं चलता और किसी दूसरे की वजह से आप परेशान रहते हैं? तो आज आपको और आपके घर की, आपके पूरे संसार को बुरी नजर से बचाने के रास्ते बताऊंगी। आज आपको वो उपाय बताऊंगी जिससे आप बुरी नजर से बच सकते हैं। आपका परिवार भी बचेगा। आपको वो तरीका भी बताऊंगी, वो लक्षण भी समझाऊंगी जिससे पता चलेगा कि आपको बुरी नजर लगी है या नहीं। साथ ही आपको बला सी खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप भी दूंगी। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या घर में कलह रहती है, परिवार में पैसे की वजह से कलह रहती है? तो दक्षिणावर्ती शंख में 5 कौड़ियां रखकर उसे चावल से भरी चांदी की कटोरी को घर में स्थापित कर दें। ये उपाय शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को या दीपावली के अवसर पर ही करें, फायदा जरूर होगा। कई बार क्या होता है, बुरी नजर लग जाती है और पता ही नहीं चलता कि आखिर बुरी नजर लग भी क्यों गई है या लगी भी है कि नहीं। इसका इलाज मेरे पास मौजूद है। मैं आपको कुछ लक्षण बता रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में किसी को बुरी नजर लगी भी है या नहीं, और फिर आपको वो उपाय भी बताऊंगी जिससे बुरी नजर को दूर किया जाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ में बिना बात की अनबन रहती है तो ये कई बार लक्षण देखा जाता है कि नजर लग गई। अचानक आप पार्टी पे जाते हैं, सब साथ में घूम रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है, ऐसे में फिर अचानक अगले दिन बिना बात लड़ाई हो जाए, ये नजर की निशानी है। शमशानी स्थानों के आसपास रहते हों या जो फीमेल्स अधिकतर पर्दे में रहती हैं, जो लोग किसी न किसी कारण से मशहूर हो गए होते हैं, उन लोगों के लिए नज़र लगना आम बात है। महिलाओं में सिर दर्द की बीमारी हो जाना, उल्टी आदि होने, अनाप शनाप बोलने के लगना नज़र लगने की निशानी हो जाती है। लक्षण क्या होते हैं? लड़ने का मन करना, अपने ही रखवालों को अपने से दूर करने के लिए कठोर बात करने लग जाना, लड़ने झगड़ने की आदत बनना, भोजन में अधिक खट्टाई का प्रयोग करना, ये सब छाछ आदि पीने की इच्छा होना, घर की महिलाओं से बिना वजह ही बैर भाव पाल लेना, ये सब नज़र के लक्षण हैं। लक्षण क्या होते हैं? नाखून चबाते रहना, अपनी संतान का ख्याल नहीं रखना, दूसरों की बातों में समय को निकालना, नाखून चबाते रहना, इस तरह से दुकानदारी के चलते चलते अचानक बंद हो जाना, ग्राहक का आना लेकिन कुछ समय बाद उसका मन बदल जाना और बिना कुछ खरीदे वापस चले जाना, खुद की दुकान से सस्ता सामान नहीं खरीदना, अगल बगल वाली दुकान से महंगा सामान खरीद कर ले आना, ये सब लक्षण हैं। किसी ना किसी प्रकार की बाधा का आ जाना, कुछ ना कुछ हो तो टेलीफोन का ही बजने लग जाना, कोई प्रॉब्लम आ जाना, जब तक उठाओ बार बार बंद हो जाना, खुजली होना, सोने वाले बिस्तर पर लाल या काली चींटियों का घूमना लग जाना, ओढ़ने बिछाने वाले कपड़ों में अजीब सी बदबू का आना शुरू हो जाना, स्किन में बिना किसी कारण के इचिंग होना, ये सब कुछ लक्षण हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीमारी हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। हमेशा इलाज को आप पहले इम्पोर्टेंस दीजिए, फिर कोई उपाय कीजिए। उपाय क्या है? जूता उसारें। घर के बुजुर्ग व्यक्ति का जूता ले लें, जिसको नज़र लगी है उसके सिर से 7 बार उसार कर, उसके तले पर थूक लगाकर जोर से पटक कर जूता घुमाते समय ओम राम रावे नमः का जाप करें। इसका जाप करने से नज़र उतर जाएगी। सफ़ेद मिठाई ना खाएं। जिनको अक्सर नज़र लग जाती है उन्हें कभी भी सफ़ेद मिठाई खाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति हो भी, अचानक जाना पड़ जाए, तो तुलसी के 5 पत्ते जल से सेवन कर लें। सेवन करते समय मन ही मन श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलते रहें। अगला उपाय क्या है? तुलसी का पौधा लगाएं। अगर सुंदर तुलसी उगेगी तो आपको नज़र दोष घर को नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सुंदर पौधों की जड़ के समीप काले रंग की कौड़ी रखनी चाहिए। 11 पौधों के समीप एक एक कौड़ी अवश्य रखनी चाहिए। महीने में 2-3 बार घर में कपूर जरूर जलाना चाहिए। ये प्रयोग बहुत प्रभावशाली है। उपाय एक और है संतान के लिए, जिन्हें संतान नहीं होती है नज़र लग जाती है, वो पुखराज धारण करें। उपाय क्या है? बच्चों को नज़र लग जाती है तो क्या करें? काले सफ़ेद मोती, बच्चों को मोती चांद का लॉकेट और नज़रबंद, काले सफ़ेद मोती का ब्रेसलेट या करधानी धारण कराएं। एक और उपाय है नींबू को सिर से उसार कर
चार टुकड़ों में काटकर चौराहे पर चारों दिशाओं में फेंक दे। अगर कोई नजर लगी होगी या उपाय होगा तो नजर दोष दूर हो जाएगा। एक और उपाय है, मोती पहने जो मानसिक रूप से परेशान हैं, उन्हें हाथ की उंगली में मोती की अंगूठी पहनने से शुभ फल मिलता है। आप खुद को और अपने परिवार को बुरी नजर से बचा सकते हैं। आपको कुछ अचूक और बहुत ही सरल उपाय करने हैं। वो कौन से हैं? आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर सिर के ऊपर से वार कर एक ग्लास पानी में डालें। ये माना जाता है कि जैसे नमक पानी में घुलेगा उसी तरह बुरी नजर का असर भी पानी में घुल जाएगा और नजर दूर हो जाएगी। बिना बात के धन संबंधित नुकसान हो रहा हो तो घर की छत पर उत्तर पूर्व दिशा में 5 तुलसी के पौधे लगाएं। कई बार नजर लगने पर व्यक्ति को बार बार उल्टी होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर अपने ईष्ट देव का नाम लेकर खिला दें। ऐसा करने से बुरी नजर का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। डंठल वाली 7 लाल मिर्च लेकर नजर लगे हुए इंसान के ऊपर से 9, 11 या 21 बार वार कर आग में डाल देने से नजर उतर जाती है। शनिवार और रविवार को नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 3 बार दूध वार कर एक मिट्टी के बर्तन में डालकर डॉग को दे दें। नजर दोष और टोटकों के प्रभाव को खत्म करने के लिए नींबू को सिर से वार कर 4 टुकड़ों में काटकर चौराहे की चारों दिशाओं में छोड़ दें। नजर लगने पर छोटे बच्चे ज्यादा रोने लगते हैं, इसे छुटकारा पाने के लिए लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों को एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में आग लगाकर उसमें जला दीजिए। इससे धुआं देने से बच्चे की नजर उतर जाएगी। खाने की चीजों पर जब किसी की नजर लग जाती है तो व्यक्ति को खाने में चीज से चिढ़ हो जाती है, मतलब वो चीज अच्छी नहीं लगने लगती। इसे छुटकारा पाने के लिए उस इंसान पर तेल लगी रोटी 7 बार वार कर ब्लैक डॉग को खिला देने से नजर उतर जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल को नजर लगी है तो गोबर के छोटे दिए में गुड़ का टुकड़ा और रुई डालकर जलाएं और उसे दरवाजे के बीच में रखने से बुरी नजर का दोष दूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा, साथ में उपाय कीजिए, लेकिन इलाज में किसी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपकी तरफ बुरी नजर से देख रहा हो तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं आपको एक से बढ़कर एक अचूक उपाय बताऊंगी, कोई आपके घर की तरफ बुरी नजर से देख भी नहीं पाएगा। एक काला धागा लें और एक पीली कौड़ी लें। अब पीली कौड़ी को काले धागे में बांध लें। इसे अपने घर के मेन दरवाजे मेन गेट की चौखट पर बांधकर लटका दें। पीली कौड़ी को काले धागे में बांधकर लटकाने से आपके घर पर किसी को भी बुरी नजर का असर नहीं होगा, और अगर आपके घर को नजर लग भी गई है तो उसका असर भी आपके घर से दूर हो जाएगा। आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है और आए दिन उसका एक्सीडेंट होता रहता है या बार बार खराब होती है, तो हो सकता है आपकी गाड़ी को किसी की बुरी नजर लग गई हो। आप इसे उतारने के लिए पीली कौड़ी को काले धागे में डालकर अपनी गाड़ी में बांध दें। कोई बुरी नजर आपकी गाड़ी को नहीं लगेगी, लेकिन ड्राइविंग संभल कर ही कीजिएगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पता है कि कौन बुरी नजर लगा रहा है, आप मिर्च, राई और नमक लें। फिर नजर उतारने के लिए मिर्च, राई और नमक को एक साथ लेकर जिसको नजर लगी है उसके सिर से वार कर आग में जला दें। माना जाता है कि किसी की भी नजर लगी हो, जब चंद्रमा राहु से पीड़ित होता है तो क्योंकि मिर्च मंगल ग्रह का प्रतीक होती है और राई के दाने शनि ग्रह के प्रतीक होते हैं, नमक राहु का प्रतीक होता है, आग को भी मंगल का प्रतीक माना जाता है, इन तीनों को जलाने से बीमार व्यक्ति के सिर पर वार कर जलाने से नजर बाधा दूर हो जाती है। और हाँ, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। मैं हमेशा कहती हूँ इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सब साथ में कीजिएगा। आपके बच्चे को अगर बुरी नजर लगी है तो आप 7 लाल साबुत लाल मिर्च लें। 7 साबुत लाल मिर्च को बच्चे के सिर पर वार कर जलती हुई आग में डाल दें। इस उपाय को करने से बच्चे पर बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है, लेकिन दिक्कत से बचने के लिए डॉक्टर को जरूर दिखाएं, कोई लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर आप परेशान हैं, आपको किसी की बुरी नजर लग गई है, तो शनिवार के दिन कच्चा दूध लें। जिसे बुरी नजर लगी है उसके सिर से 7 बार वार लें। इस दूध को किसी डॉग को पिला दें, डॉग पिएगा तो आपकी नजर उतर जाएगी।
किसी सड़क वाले डॉग को पिला देंगे तो उसकी भूख भी मिट जाएगी और आपकी नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे डॉग पर कोई बुरा असर नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता? अगर परिवार में पुरुष सदस्यों के कारण आपस में तनाव होता हो तो पूर्णिमा के दिन कदम वृक्ष की 7 अखंड पत्तों वाली डाली लाकर घर में रखें। अगली पूर्णिमा को पुरानी डाली कंदव वृक्ष के पास छोड़ाएं और नई डाली लाकर रखें। ये उपाय इसी तरह करते रहें, टेंशन कम होगी। नजर की बात चल ही रही है तो आपको मसालों से भी नजर उतारने का तरीका बता देती हूँ। मसाले बहुत ही कमाल की चीज होते हैं, आपके बहुत काम आ सकते हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी दे रही हूँ। काली हल्दी कई उपायों में काम आती है। घर में धन दौलत से जुड़ी कोई परेशानी हो या बच्चे को बुरी नजर से बचाना हो तो काली हल्दी आपकी मदद कर सकती है। साथ ही घर परिवार से जुड़ी हर समस्या और ग्रहों से जुड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले जरूरी है कुछ काम। इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सूर्य निकलने से पहले नहा लेना है। साफ कपड़े पहनकर ईस्ट डायरेक्शन की ओर चेहरा करके बैठना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बैठने के लिए ऐसा स्थान चुनिए जहां से सूर्य के दर्शन में कोई बाधा ना आती। इसके बाद काली हल्दी की गांठ की पूजा धूप से करें। पूजा करने के बाद काली हल्दी की गांठ को प्रणाम करें और भगवान सूर्य देव के मंत्र ओम ह्रीम सूर्याय नमः का 108 बार लाल चंदन की माला से जाप करें। ये प्रयोग अगली अष्टमी तक रोज करें। अष्टमी के दिन उपवास रखें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इस तरह काली हल्दी की गांठ सिद्ध हो जाएगी। अब कैसे करना है इसको इस्तेमाल? काली हल्दी के 7 से 9 दाने बनाएं, धागे में पिरोकर धूप गुग्गल और लुबान के धुएं में थोड़ी देर के लिए रख दें। ऐसा करने के बाद उसे गले में पहन लें। ऐसा करने से ग्रहों के बुरे प्रभाव का असर नहीं पड़ता, नजर नहीं लगती। चलिए वक्त हो गया है आज के एस्ट्रो स्पेशल का। ये वो खास बातचीत है जो मैं आपको देती हूँ। अगर घर को नजर लग जाए, आपको नजर लग जाए, अपने पास बुधवार के दिन फिटकरी रख के सोएं। आप शनिवार को भी कर सकते हैं। घर के सेंटर में फिटकरी रखी, अगले दिन सुबह सुबह उठा लें। इसी तरह अपने बिस्तर पर एक हफ्ते के लिए फिटकरी रहने दें। फिर इसे पब्लिक टॉयलेट में फ्लश कर देने से भी नज़र का काफ़ी हद तक इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलता है। बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपका किराए का मकान खाली नहीं हो रहा है? तो शनिवार की शाम को भोजपत्र पर लाल चंदन से किराएदार का नाम लिखकर शहद में डुबो दें। संभव हो तो ये उपाय शनिश्चरी अमावस्या को करें। कुछ ही दिनों में किराएदार घर को खाली कर चला जाएगा, लेकिन आपको किसी को परेशान नहीं करना है। आप चाहें तो अपने घर में कुछ ऐसे सामान रख सकते हैं जो आपके घर को बुरी नजर से बचाएगा। ये शोपीस भी हो सकते हैं और ये पेंटिंग भी हो सकती है। ये कैसी होगी, आइए बताती हूँ। अगर आप अपने घर में खुश रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि घर में समृद्धि आए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज ना हो, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी हो। कौन से शो पीसेज ऐसे हो सकते हैं जो आपके घर को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखते हुए पॉजिटिव एनर्जी से भर दें? इसके लिए तमाम ऑप्शन होंगे और यहाँ पर मेरे साथ हैं कृति क्रिएशन से मुकेश जी। आकर्षक ये चाइम्स की डिजाइनिंग करी गई है। इन चाइम्स का ये महत्व है कि ये आपको एक एनर्जीज का सर्कुलेशन तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। मानिए अगर आप 6 रॉड का चाइम यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके इर्द गिर्द मित्रों का घेरा बनाता है, जो भी परिवार में कमाने वाले सदस्य हैं उनकी लक को एनहेंस करता है। पांच रॉड का चाहिए। अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, टॉयलेट रॉन्ग डायरेक्शन में है, किचन रॉन्ग डायरेक्शन में, तो उसे आप रख सकते हैं, जिससे कि वो नकारात्मक ऊर्जाओं को दबा के रखे और उसका दुष्प्रभाव आपके घर पे या आपके व्यापार के स्थान पे, ऑफिस में ना हो। ऑयल्स का कलेक्शन है जिसे एरोमेटिक ऑयल्स भी बोलते हैं या डिफ्यूज़र ऑयल भी बोलते हैं, जिन्हें हर व्यक्ति यूज़ कर सकता है। अब इसमें बेनिफिट ये है कि मानिए आप
किसी तरीके के स्ट्रेस से प्रभावित हैं, और जो कि आजकल हो ही जाता है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यस्तता के कारण। ये खास लेवेंडर ऑयल है, बेस जैस्मिन ऑयल है, ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। आजकल हमें डेंगू का डर सताता है, कई बार मच्छर काटने का डर सताता है, तो ऐसे में सिट्रोनेला ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल है जो आपको इस तरीके की चीज़ों से बचाता है। किसी भी तरह के प्रोफेशनल हैं, जो कि आजकल नए बच्चे सब मेजॉरिटी प्रोफेशनल हैं, या मीडिया में हैं, या होटल में हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या हॉस्पिटैलिटी में, अलग अलग जगहों पे हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में ये खास पक्षी है जो देखने में तो मोर जैसा लगता है, लेकिन इसे फीनिक्स बोलते हैं। और ये माना जाता है 5 तत्वों के अनुसार ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और इट्स अ बर्ड दैट राइजेस फ्रॉम एशेस फ्लाइज ऑन हाई एल्टीट्यूड्स। ये माना जाता है कि ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूता है। अगर आप इसे अपने टेबल के, रूम के, ऑफिस के, घर के साउथ में रखते हैं और थोड़ा ऊंचा रखते हैं, तो ये मदद करता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, आपकी रिकग्निशन हो और आपकी ख्याति बढ़े। आप इसे शीतिगर्भा फायरबॉल बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि कई बार आपके कार्य के स्थान पर अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसे लगा सकते हैं। ये वेल्थ फ्रॉग लगा सकते हैं, और जो देखने 4 टांग का मेंढक माना जाता है, बट ये 3 टांग का मेंढक है, और जिसके मुंह में सिक्का है, और ये माना जाता है कि ये आपके घर में पैसे का प्रवेश कराता है। कहीं कोई आपकी सेहत का कारण सता रहा है, तो ये फ्रूट ऑफ लॉन्जिविटी बोलते हैं, पीच बोलते हैं, और इसमें साऊ बोलते हैं। साऊ इज़ अ गॉड ऑफ लॉन्ग लाइफ, गॉड हेल्थ। घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये क्लियर क्वार्ट्स का गणेशा, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई इसे स्फटिक भी बोलते हैं, क्लियर क्वार्ट्स भी बोलते हैं, क्रिस्टल भी बोलते हैं, ये फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ये आपके शरीर की ऊर्जाओं को बढ़ाता है, इसलिए इसे एजुकेशन स्टोन या स्टोन फॉर जनरल गुड हेल्थ भी बोला जाता है। बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या आपकी दुकान में बिक्री नहीं हो रही है? 11 गोमती चक्र, 3 छोटे नारियलों की पूजा करके उन्हें पीले कपड़े में बांध कर वेंसडे या फ्राइडे को अपने दरवाजे पर लटकाएं। हर पूर्णिमा को धूप दीप जलाएं। ये उपाय रेगुलरली करें, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। आइए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या अनहोनी के डर से परेशान हैं? काले तिल और जौ का आटा तेल में गूंथकर एक मोटी रोटी बनाएं। उसे अच्छी तरह सेकें। गुड़ को तेल में मिश्रित करके इसके साथ ही अनहोनी की आशंका हो उसके सिर पर 7 बार उसार कर मंगलवार या शनिवार को भैंसे को खिला दें। अनहोनी टल जाएगी। साकार करें सपने अपने।